तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप पेटीएम से फ्लाइट टिकट कैसे बुक कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे भी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पेटीएम ऐप ओपन कर लेनी है। पेटीएम ऐप ओपन कर लेने के बाद में आपको सर्च वाले आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना फ्लाइट्स। तो चलिए मैं यहाँ पर फ्लाइट सर्च कर लेता हूँ। फ्लाइट सर्च करने के बाद यहाँ पर आइकन पर आपको क्लिक करना फ्लाइट के आइकन पर। पेटीएम ट्रेवल पर आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप किस जगह के लिए फ्लाइट बुक करना चाहते हैं। किस जगह से? मैं दिल्ली से लखनऊ के लिए फ्लाइट बुक कर रहा हूँ। ऑलरेडी यहाँ पे डिफॉल्ट में इन्फॉर्मेशन फिल आ रखी है क्योंकि मैंने पहले इंक्वायरी कर रखी है। यहाँ पे दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको सर्च करना फ्रॉम वेयर। यहाँ मैं सर्च करता हूँ दिल्ली, दिल्ली एयरपोर्ट। एंड सेकेंड यहाँ पे सर्च करना है आपको लखनऊ, जिस किसी भी सिटी के लिए आप बुक कर रहे हैं वहाँ सिटी के लिए। जैसे मैं लखनऊ के लिए सर्च कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ लखनऊ उत्तर प्रदेश इंडिया। किस डेट के लिए आप टिकट बुक कर रहे हैं? मैं यहाँ डिपार्चर डेट में यहाँ पे चूज़ करता हूँ 1 अगस्त या 2 अगस्त में यहाँ पे चूज़ करता हूँ। 2 अगस्त चूज़ करनी है। अगर आप रिटर्न टिकट है इसमें बुक करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं इसी टिकट में, तो रिटर्न डेट यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं ऐड रिटर्न डेट में। मैं रिटर्न डेट नहीं बुक कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको ट्रेवलर्स की डिटेल पूछी जाएगी कि आप अडल्ट हैं, आपके साथ में कितने बच्चे हैं। एंड यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही अडल्ट है। अगर आपके पास 2 अडल्ट लोग हैं, आप हस्बैंड वाइफ हो या फिर फ्रेंड हो साथ में, एंड 12 साल से उनकी उम्र ज़्यादा है, तो यहाँ पे अडल्ट्स में आएंगे। यहाँ पे आप प्लस आइकन पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे मैं अकेला हूँ, तो यहाँ अकेला एक ही लोग बुक करने के लिए, तो यहाँ पे मैं एक ही लोग सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे सेकंड आपके नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे आपको क्लास पूछी जा रही है कि किस क्लास में आप ये टिकट बुक करना चाहते हैं, इकोनॉमी या प्रीमियम इकोनॉमिक में या फिर बिजनेस क्लास में। यहाँ पे नॉर्मल मैं इकोनॉमिक में बुक कर रहा हूँ। डन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे सर्च फ्लाइट पे क्लिक करेंगे। सर्च फ्लाइट पे क्लिक करने के बाद में दिल्ली टू लखनऊ के लिए जितनी भी फ्लाइट्स होंगी 2 अगस्त को, सारी की सारी लिस्ट आ जाएंगी विद प्राइस कि उनका क्या फेयर है, क्या प्राइस है, कितने आवर्स में आपको दिल्ली टू लखनऊ पहुंचा रहे हैं। जैसे फर्स्ट फ्लाइट है इंडिगो एयरलाइंस की, सुबह 9:50 की फ़्लाइट है, शाम के 4:25 पर उठानेगी। अराउंड ये 6 आवर्स 35 मिनट्स का टाइम लगेगा। यहाँ पे 1825 रुपये इसकी टिकट की प्राइस है एंड ये थोड़ा टाइमिंग ज़्यादा ले रही है। सेकंड ही इंडिगो की सेम फ्लाइट है, शाम के 7:50 पे, रात के 8:50 पे आपको लखनऊ उतारेगी, बट सेम प्राइस है। बट इसका कोई लेओवर नहीं, बीच में कोई स्टॉप नहीं है। जो फर्स्ट फ्लाइट थी इसमें शायद आई थिंक बीच में कहीं स्टॉप है, मैं यहाँ पे क्लिक करके आप दिखा दूँगा। 5 आवर्स का लेओवर है देहरादून में, यानी 5 घंटे आपका देहरादून में रुकेगी, फिर फ्लाइट वहाँ से आपको जाएगी डायरेक्ट। सेकंड फ्लाइट है जो दिल्ली टू लखनऊ के लिए इंडिगो की फ़्लाइट है, फ्लाइट नंबर 5179 है, 1827 रुपये फ्लाइट की टिकट है 2 अगस्त की। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, टाइमिंग के ऊपर आपके डिपेंड करता है किस टाइमिंग में आप बुक करना चाहते हैं। एंड यहाँ पे शाम के 9 बजे की भी फ्लाइट है। टोटल 1 आवर्स के अंदर आपको दिल्ली टू लखनऊ पहुँचा दिया जा रही है। अब यहाँ से टिकट बुक करने के लिए, चलिए मैं आपको टिकट का प्रोसीजर बता देता हूँ, टिकट का प्रोसेस क्या है। तो बुक करने के लिए फर्स्ट में सेकंड वाली बुक करता हूँ, शाम के 7:50 पर, 8:50 वाली, इस पर क्लिक करेंगे टिकट पे। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिए जाएंगे, जैसे कि कुछ पॉलिसीज़ होंगी, बैगेज कितने अलाउ है आपको, इन सारी चीज़ें यहाँ से आप पॉलिसीज़ पढ़ सकते हैं। एंड इनको साथ में कुछ पैकेज दिया रहा G5 का पैकेज, बट मैं यहाँ पे मैं कुछ लूँगा नहीं। यहाँ पे ऑफर्स में अगर आपके पास पेटीएम के आपके पास क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का, तो यहाँ से आप बेनिफिट्स उठा सकते हैं। एंड पेटीएम की तरफ से 10% का कैशबैक वाला डिस्काउंट दिया जा रहा है मुझे फ्लाई न्यू 10 के लिए। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो मुझे 183 रुपीज़ का कैशबैक मिलेगा, जो कि मेरी इफेक्टिव प्राइस होगी 1644 रुपये। तो मैं यहाँ पे प्रोमो कोड अप्लाई हो चुका है सक्सेसफुली, 183 रुपये मुझे कैशबैक मिलेगा। तो यहाँ से मैंने सक्सेसफुली प्रोमो कोड अप्लाई कर लिया। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइन दिखी हुई है, कोविड के चलते कुछ गाइडलाइंस दे रखी, जैसे मास्क आपको ले जाना है, ये चीज़ें यहाँ पे आप मेंशन की है, आप पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में आपसे पूछा जाएगा कि आपने इंश्योरेंस लेना चाह रहे हैं, सिक्योर योर ट्रिप। अगर यहाँ पे आप कुछ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, जैसे बैग आपका लॉस हो या ट्रिप डिले हो जाए या फिर एक्सीडेंट कवर, यहाँ पे मिलती है टाटा AIG की तरफ से, ये इंश्योरेंस प्रोवाइड की जा रही है, 249 रुपीज़ की है। अगर आप ये इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो आपके 249 रुपीज़ आपके फेयर में ऐड कर दिए जाएंगे। मैं नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं नो पे क्लिक करता हूँ। टोटल यहाँ पर जो आपकी प्राइसिंग दिखा रही है 2106 रुपये प्राइसिंग दिखा रही है टोटल आपका, इसमें आपका जो टैक्स लग रहा है प्लस 279 रुपये आपका कन्वीनियंस फीस लग रही है। यहाँ पे नहीं शो कर रहा, लास्ट में आपके यहाँ पे जाके शो कर दे रहा, फर्स्ट में आपको शो करने था, बट यहाँ पे आपको कन्वीनियंस फीस किसी भी ऐप में देना होगा, चाहे वो मेक माई ट्रिप हो, चाहे पेटीएम हो, चाहे कोई भी ऑफिशियल ही वेबसाइट क्यों ना हो, एयरलाइंस की ऐप हो, वहाँ पर भी आपको कन्वीनियंस फीस देना ही पड़ता है। तो यहाँ पर मैं कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। टोटल 2106 रुपये आपकी पेमेंट
वो रखिए। और यहाँ पे आपका नेम पूछा जाएगा, यहाँ पे आपका नेम पूछा जाएगा फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट नेम आपका, जैसे मेरा नाम गुलशन है, लास्ट नेम आपका पूछा जाएगा, लास्ट नेम मेरा कुमार, तो मैं फिल कर देता हूँ, मिस्टर मिसेज मिस, तो मैं मिस्टर चूज करूँगा। तो यहाँ पे होगा नेम शुड बी एज पर गवर्नमेंट आईडी प्रूफ। यहाँ पे आप एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो आप नेम डाल रहे हैं जैसे मेरा नाम गुलशन कुमार है, तो वो नेम आपके जो आईडी है गवर्नमेंट आईडी, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड एंड पासपोर्ट, जिसमें से में आपका पूरा नेम हो, आपका पूरा नेम लास्ट नेम भी यहाँ पे आपको फिल करना है। यहाँ पे आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल आ जाएगी, ये टिकट्स की डिटेल आपके फ़ोन नंबर पे, मेल आईडी पे, बाया एसएमएस मेल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप यहाँ पे अगर आप अपने फैमिली मेम्बर या फिर कलीग का किसी का आप टिकट बुक कर रहे हैं, तो उनकी मेल आईडी, उन्हीं का ही फ़ोन नंबर आप प्रोवाइड कीजिएगा। तो यहाँ से मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा सीट। अगर आप सेलेक्ट करते हैं कुछ, आपको इनकी तरफ से डिफ़ॉल्ट में आपको फ्री सीट्स दी जाएंगी, बट वो आप चूज़ नहीं कर सकते। अगर आप चूज़ करेंगे तो यहाँ पे कुछ हाईलाइट की गई है कि जो जो कलर्स में वो सीटें हैं उनकी वो प्राइस, जैसे 400 रुपये में ये वाली सीट है, 400 रुपये आपका ऐड कर दिया जाएगा, वही 1000 रुपीज़ है ये, कुछ 400 रुपये, कोई 250 रुपये, कोई 150 रुपये, कोई 99 रुपीज़ में, कोई फ्री वाली भी है। तो मैं यहाँ पे स्किप करूँगा, अगर आप अपने हिसाब से लेना चाहते हैं, अगर आप ये सामने वाली सीट लेना चाहते हैं तो आपको 1000 रुपये की पड़ेगी, 400 रुपीज़ की। तो ये प्राइसिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो मैं यहाँ पे स्किप करूँगा, मैं यहाँ पे चूज़ नहीं करूँगा सीट। एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट डन रिव्यू लो डिटेल्स, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है पेटीएम की तरफ से, आपकी ट्रिप ऑलमोस्ट बुक होने वाली है, बट एक बार आप उनमें कन्फर्म कर दीजिए, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, किस एयरलाइंस में आप बुक कर रहे हैं, क्या आपका टाइमिंग है, सारी चीज़ें एक बार आपको रिव्यू कराई जाएंगी। बुक फॉर आपको प्राइसिंग यहाँ पे शो हो जाएगी, जैसे 2106 रुपये, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 10 मिनट के अंदर आपको ये बुक करनी होगी। होल्ड, यहाँ पे आपको होल्ड करने को बोला जाएगा, ये आपका कंफर्म करेगा जरा प्राइसिंग के ऊपर नीचे होती है एयरलाइंस की। तो यहाँ से कंफर्म करने के बाद में, यहाँ से अगर आप पेमेंट करेंगे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हैं, एंड UPI के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी आप, अगर आपके पेटीएम बैलेंस में तो यहाँ से आप पेटीएम से भी, बैलेंस से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ से पेमेंट करने के बाद में आपकी सारी डिटेल, आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी क्या बोर्डिंग पास है, सारी चीज़ें आपको मेल आईडी बाया एसएमएस, आपको आपके मोबाइल नंबर या मेल आईडी में मिल जाएगी टिकट्स, ई टिकट, आप वो टिकट प्रिंट आउट लेके आप कैरी कर सकते हैं, जाके आप काउंटर पर बोर्डिंग पास ले सकते हैं एयरलाइंस के काउंटर पर। तो ये थी गाइस वीडियो, पेटीएम से आप फ्लाइट टिकट कैसे बुक कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। तो